हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिक टेक ब्रो यूट्यूब चैनल। मैं निमार से योगेश जमरे आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपने जो डायरेक्टर है जेएस यू प्रोडक्शन हाउस के, जिनका वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई बटन पे आप वीडियो देख लेना। तो अब मिलते हैं जेएस यू प्रोडक्शन हाउस के असिस्टेंट डायरेक्टर एवं और सिंगर से, जो आपको मिलाते हैं सबसे। तो दोस्तों, आपको मिलाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल जी पांडे जी से, जो जय शिवा प्रोडक्शन हाउस के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो अनिल जी, आप कहाँ से हो? जी, मैं धार कोसी से। अच्छा, तो अभी मतलब पढ़ाई भी कर रहे हो कि मतलब इसी फील्ड में हो? नहीं, पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, पढ़ाई करने करते साथ में ये एक्स्ट्रा काम। तो आप इस फील्ड में कब से आए हो? मैं 2016 में जब हमारी मूवी हुई उसी समय इसे काम कर रहा हूँ। अच्छा, और अभी आपकी जो मूवी आ रही है और जो विमान आई की मूवी आई, इसमें कुछ किरदार ऐसे होंगे, कुछ कठिनाई भी आई होगी, कुछ सरलता भी आएगा, कुछ बताओ। जी हाँ जबरे जी, हाँ कठिनाई तो आई है, बहुत कठिनाई है, बहुत ये बहुत ज़्यादा धूप में हालत ख़राब हो गई थी हमारी, और डायरेक्टर तो बिल्कुल सूख गए थे, लकड़ी जैसे हो गए थे। मेहनत करते करते ना, तो फिर बाद में क्या हुआ है, तो हमने बहुत मेहनत की उसमें। और मेरा उस समय किरदार ये था कि उस समय मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं था, हाँ, लेकिन मैंने स्क्रिप्ट से लेके सर का हर चीज़ में हेल्प की है। और वहाँ पे जब मूवी शूट हुआ था तो मेरा एक अंग्रेज का रोल था और सबसे लास्ट बैकग्राउंड में मेरा रोल था, उसमें कोई खास नहीं था मेरा रोल। अच्छा, मतलब अभी जो अब मेरे पापा रियल, उसमें आपका किरदार है या नहीं? जी, अभी मेरे पापा रियल हीरो में मैं किरदार में है, मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर का ही मैं काम कर रहा हूँ उसमें। डायरेक्टिंग सर कर रहे हैं सुजय डोगरा, लेकिन वो जो संभालने के लिए मुझे अब उसमें आने में इतना टाइम नहीं है ना। अच्छा, और आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे कि जो नया आने वाला है, जैसे अपने निमार क्षेत्र में बहुत टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है। अच्छा, हाँ, आपको पता है कि बहुत सारा टैलेंट है, मतलब जो नया आना चाहता है वो कैसे आए और आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें? जी विजय जमरे जी, मिस जमरे जी, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रोडक्शन हाउस में आपकी एंट्री कैसी हो सकती है। तो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात आपको उसको में रुचि होना चाहिए ताकि आप कर सकते हो। और आपके जो छुपा हुआ जो कलाकार हैं उसको एक बार बाहर निकालने की कोशिश कीजिए आप। ऐसे फिर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप हमारे ऑफिस आके मिल सकते हो या हमारे मोबाइल नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है कि आपके जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में पैसे लेके आते हैं, तो आपके इस प्रोडक्शन में पैसे का कुछ रोल है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, पैसे का रोल नहीं है इसमें, इसमें टैलेंट के ऊपर आपको लिया जाएगा। और आपके अंदर टैलेंट है तो उसको बढ़ाने के लिए हम उसके पीछे मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, 10 बार उसको डायलॉग बुलवाते हैं। जब तक उसका अच्छा डायलॉग नहीं होता है तब तक हम उसको मैदान में नहीं लाते हैं, कैमरे के सामने आना बहुत बड़ी बात है। और आपसे पूछता हूँ, जैसे कि मूवी के आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो क्या सोचते हो और कब तक ऐसा क्या सोचते हो, ऐसे बता सकते हो कुछ? स्क्रिप्ट बनाने के लिए सबसे पहले स्टोरी तैयार हो जाती है, उसके बाद हम उसकी स्क्रिप्ट बनाते हैं। उसमें हर चीज़ को हम बहुत बारीकी से देखते हैं, जैसे स्टोरी में पहला आया है कि हमको लेना है क्या है, स्टोरी में किस कलाकार को किस तरीके से डायलॉग बुलवाना है, उसका कॉस्ट्यूम क्या होना चाहिए, एग्जिट लोकेशन क्या होना चाहिए, समय क्या होना चाहिए, और समय को देख कर ही शूटिंग किया जाता है, जैसे मॉर्निंग का शूट, दोपहर का शूट, नाइट का शूट, तो उसी से डिसाइड करना पड़ता है। और वो सारी चीज़ें स्क्रिप्ट में बनानी पड़ती है, रखनी पड़ती है ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसी तरह से हम फिर उसी को उस तरीके से हम शूट करते हैं। तो आप अभी तक आपने कौन सी मतलब कोई सी डिग्री अपने कम्प्लीट कर ली होगी, कौन सी करी है? जी मैं BSc कम्प्लीट हूँ। और मतलब कंपटीशन की तैयारी चल रही है? हाँ कंप्लीट चल रही है। और इधर अपने फील्ड में, हाँ, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट कंपटीशन में लगता है कि अपने इस फील्ड में लगता है? नहीं लगता है वो, और इसमें क्या है मेहनत, इसमें आपको आपका मन बना रहेगा, इंटरटेनमेंट प्लस आपका सारा चीज़, इधर आप कुछ भी इसमें अपना हुनर दिखा सकते हो। वो पढ़ाई का मेहनत अलग होती है, ये अलग है। तो अनिल जी, आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आप 2016 से जो आपका प्रोडक्शन हाउस चल रहा है जेएस यू प्रोडक्शन हाउस, इसमें 2016 17 18 19 20 और अभी आ गया 20 और आपकी मूवी भी आ रही है जी, तो इसके मूवी के जैसे अभी तो 31 आप जरूर देखना मेरे पापा रियल हीरो,
के जो मेन किरदार है इसराम नरगाले जी, आप जरूर देखना 31 को, ट्रेलर आ गया है जय शिवा बजा के, आप जरूर देखिए। तो इसके बाद आपका क्या मतलब प्लान है, कौन से एल्बम आने वाले हैं और क्या आने वाले, कुछ बताओगे? जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारी जो आने वाली, हम 16 एपिसोड हम बना रहे हैं, जो सीरियल जो एपिसोड होते हैं ना, उसी तरह से अभी हमारा नेक्स्ट उसका ही चलेगा, इसी मंथ के लास्ट से। तो हम वो शूट करना, अभी क्या सिलेक्शन जो हमारे पास कलाकार ऑलरेडी है और हम नए कलाकार जो आना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग है, तो मतलब वो सिंपल भाषा में बोलो तो जो अपन घर पे देखते हैं नाटक है। हाँ नाटक, मतलब किस लैंग्वेज, जैसे आदिवासी लैंग्वेज या निमाड़ी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आई है? दो तीन लैंग्वेज में चलेगी। अच्छा, दो तीन लैंग्वेज में चलेगी, चलो ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आपको मतलब इसराम नरगाली जी और अनिल जी से मिलके बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसे ही वीडियो में आपके साथ निमार से इंडस्ट्री या बाहर की इंडस्ट्री से जुड़े वीडियो आपके साथ लाते रहूँगा। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के जरूर जाना, और कमेंट्स में बताना कि आप भी इंटरेस्टिंग हो इस ऐसी फिल्म इंडस्ट्री में। और हाँ, ये एक निःशुल्क है, आपको आने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, पैसा वैसा नहीं, कुछ भी नहीं, आपका हुनर हुनर दिखाओ और आप आ सकते हो, और आप इस छोटे लेवल से लगा के आप बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड तक भी जा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।